दोस्तों आज हम बात करने वाले बहुत ही बेहतरीन प्लान की, जैसा कि आपने स्क्रीन पर देखा होगा, और इसी मॉडल का आज हम डिस्कस करेंगे। इसका साइज है 25x41। हमारे सब्सक्राइबर थे वो लगातार कमेंट कर रहे थे और मैंने उनसे कॉन्टेक्ट किया और उन्होंने हमारी पेड सर्विस का इस्तेमाल किया, तो उन्हीं की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आज का प्लान मैंने डिजाइन किया है। उनकी रिक्वायरमेंट थी कि उन्हें 25x41 मतलब कि 25x41 फीट में उनका मकान डिजाइन किया जाए और एक बेहतरीन लो बजट और बेहतरीन सा मॉडल हो, तो उन्हीं की रिक्वायरमेंट को फुल करते हुए मैंने इस मॉडल को डिजाइन किया है, जिसमें कार पार्किंग भी है, साथ साथ बेडरूम्स वगैरह सारा डिटेल जो भी उनकी रिक्वायरमेंट थी उसके अकॉर्डिंग मैंने बनाया है। तो आज हम इसी प्लान को आपके सामने एलिबरेट करेंगे, पूरा प्रॉपर तरीके से बताएंगे कि बेडरूम्स वगैरह कहाँ पर बने हुए हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक स्मॉल हाउस प्लान को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें, क्योंकि स्मॉल हाउस प्लान पर ही आपको ऐसा वीडियो मिलते हैं जो लो बजट होते हैं और बेहतरीन से डिजाइन होते हैं, अगर आप डिजाइन करते हैं जो रियल में आप डिजाइन करवा सकते हैं। बहुत सारी वीडियोस आप देखते होंगे बट आपको सॉफ्टवेयर के जो मकान होते हैं वो अलग होते हैं, रियलिटी में अलग होते हैं, तो मैं मकान वही डिजाइन करता हूँ जो आप रियल में उन्हें बनवा सकें, ना कि केवल सॉफ्टवेयर पर आप देख लें बहुत अच्छा लग रहा है इसके बाद छोड़ दें। तो आज का जो प्लान है प्रॉपर तरीके से हम डिस्कस करेंगे। अगर आप भी हमारी पेड सर्विस का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए डिस्क्रिप्शन में नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर है, आप हमें वहाँ पर कॉन्टैक्ट करें, वहाँ पर कॉल से बात नहीं होगी, आप मुझे कॉन्टैक्ट करेंगे तब मैं आपसे बात करूँगा और आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपका हाउस क्रिएट करूँगा। उसके लिए आपको कुछ फिक्स चार्ज देने होते हैं, 50% एडवांस और 50% बाद में, लेकिन आप 50% पेमेंट तभी करें जब आप हमसे बात कर लें, अन्यथा अन्य व्यक्ति को पेमेंट बिल्कुल न करें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसकी लंबाई 41 फीट है, तो देख सकते हैं ये मॉडल ऊपर गुमटी बना हुआ है, फ्रंट से आपका एलिवेशन ऐसा है। टोटल 25 फीट है, तो लगभग 12.5 फीट में मैंने दो पोर्शन में डिवाइड कर रखा है, जिसमें एक एक गेस्ट रूम आगे बना हुआ है और ये आपका मेन डोर है जो कि कार पार्किंग के लिए, तो 8 फीट का अप्रॉक्सिमेट गेट मैंने दिया है। बात करते हैं ग्राउंड फ्लोर की, तो ग्राउंड फ्लोर पर आप जैसे देखिए आते हैं तो सबसे पहले ये पिलर आपको देखने को मिलते हैं 3, उस पर पीओपी का डिजाइन, उसका मेन डोर। जब मेन डोर से अंदर आप जाते हैं तो ये देखिएगा पूरा कार पार्किंग का स्पेस आपको देखने को मिलता है, जहां पर कार पार्किंग करेंगे और ये स्टेयर्स हैं, यहीं से आप टर्न होकर ऊपर को जाएंगे और बाहर की तरफ आ जाते हैं, तो ये पूरा आपका जो एरिया है कार पार्किंग और स्टेयर कवर्ड हो जाता है। वहीं बात करें इधर की लेफ्ट राइट हैंड साइड की, तो आपको एक गेस्ट रूम देखने को मिलता है, इस गेस्ट रूम के लिए ये डोर है और इस साइड में विंडो और एक फ्रंट में भी आपको विंडो देखने को मिलता है, तो दो विंडो आपको गेस्ट रूम में मिल जाती है इससे प्रॉपर वेंटिलेशन हो सके। इसके बाद जस्ट इसके पीछे आपको एक लेट एंड बाथ देखने को मिल जाता है, ये बड़ा सा लेट एंड बाथ देखने को मिलता है जो कि एक सेपरेट कंबाइंड लेट एंड बाथ है, सभी लोग यूज कर सकते हैं। इसके बाद मेन डोर ये है जहां से आप अंदर जाते हैं तो आप आ जाते हैं लिविंग एरिया में, ये आपको पूरा एक लिविंग एरिया है और ये एक विंडो भी है, आप वेंटिलेशन के लिए ऊपर यहाँ पर जाल रखवाइएगा। इसके बाद इस लिविंग एरिया से आप एंट्री कर सकते हैं हर जगह, तो इस लिविंग एरिया से पहले इस बेडरूम में अगर आप आते हैं इस डोर के माध्यम से तो ये आपको एक बेडरूम मिलता है, इसी में मैंने अटैच्ड लेट एंड बाथ एक ये क्रिएट कर रखा है। इसके बाद ये एक आपको और बेडरूम सबसे पीछे देखने को मिलता है जो कि इधर से एक्सेस कर पाएंगे और इसके जस्ट बगल में आपका ये पूरा किचन एरिया देखने को मिल जाता है। तो जो हमारे कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी उनको एक अटैच्ड लेट एंड बाथ चाहिए था बेडरूम में और एक सेपरेट चाहिए, तो उन्हीं के अकॉर्डिंग देखिए दो लेट एंड बाथ क्रिएट किए गए जो कि एक अटैच्ड है और एक सेपरेट है, और उनको 3 बेडरूम चाहिए थी, तो एक गेस्ट रूम और एक ये वाला रूम, एक ये दो बेडरूम एक गेस्ट रूम, मतलब ओवरऑल 3 बेडरूम हो जाते हैं, एक लिविंग एरिया ये आपको निकल आता है। मैं बात करें इधर की तो ये आपका एक बेहतरीन सा कार पार्किंग का स्पेस निकल आता है। तो ग्राउंड फ्लोर आपका ये देख पूरा क्लियर हो जाता है, मैं थोड़ा और जूम करके दिखाता हूँ जिससे आपको इसकी रियलिस्टिक चीजें समझ में आ जाए, रियलिस्टिक व्यू समझ में आ जाए। फ्रंट का आप देख लीजिए, फ्रंट का डिजाइन आप देख लीजिए ऐसा यहाँ पर बना हुआ है। बात करते हैं इसके लास्ट फ्लोर की, तो लास्ट फ्लोर पर देखिएगा आपका चारों तरफ 3.5 फीट का बाउंड्री वॉल, इसका जो स्टेयर्स था उसको ढकने के लिए गुमटी मैंने क्रिएट कर रखी है। इसका ये ग्रिल, जो ग्रिल का डिजाइन है ये लगभग आपका देखिएगा पहले यहाँ पर आपका हॉरिजॉन्टल गया, फिर इसका स्लोप में चला गया है और इसके बाद हॉरिजॉन्टल, और ये आपका यहाँ पर पूरा डिजाइन, और इसके बाद ग्रिल का इस्तेमाल किया है, यहाँ पर एक कट दिया है जो कि राउंड सर्कल का है और दो आपके रेक्टेंगुलर शेप के कट मिल जाते हैं, तो ये ग्रिल का डिजाइन आपका भी बेहतरीन देखने को मिलता है। तो ये ओवरऑल मॉडल था 25x41 फीट में जो हमारे कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर दिया। तो दोस्तों आज का मॉडल आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें, और अगर आपका कोई भी डाउट है इस वीडियो के सेक्शन तो आज हमसे पूछ सकते हैं। साथ साथ वीडियो को अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया है तो जरूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें ऐसे ही वीडियो पाने के लिए, और अगर आप हमारे पेड सर्विस का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप जरूर करें, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।